हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो एनिमल्स का कंपैरिजन करेंगे, बंगाल टाइगर और गौर का। चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे इनके साइज़ और हैबिटेट की। चलो पहले हम बंगाल टाइगर के बारे में ही बात कर लेते हैं। इनकी लेंथ 2.7 मीटर से 3.1 मीटर होती है। इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.1 मीटर तक होती है। इनका एवरेज वेट 200 किलो से 220 किलो के बीच में होता है। अब बात करते हैं गौर की। गौर की लंबाई 3.2 मीटर से 4.3 मीटर के बीच में होती है। इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.4 मीटर से 2.2 मीटर तक होती है। इनका एवरेज वेट 588 किलो से 1050 किलो में होता है। दोस्तों, गौर इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना और ऐसे ही कई देशों में पाए जाते हैं। और बंगाल टाइगर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना में ही पाए जाते हैं। तो ये तो पता चल गया, ये दोनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके वेपन्स और स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे कि दोस्तों, गौर एक कैटल है, तो इनके मुख्य हथियार इनके सींग हैं। और इनके सींगों की लंबाई 60 से 115 सेंटीमीटर है। दोस्तों, चलो अब बात करते हैं बंगाल टाइगर के बारे में। बंगाल टाइगर एक वाइल्ड कैट है, तो इनके मुख्य हथियार इनके दांत और इनके नाखून हैं। इनके दांतों की लंबाई 7.6 सेंटीमीटर और इनके नाखूनों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। 1998, 1931, 1959, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017 के किस्सों से पता चला है कि कभी कभार बंगाल टाइगर ने गौर को मार दिया है और कभी कभार गौर बंगाल टाइगर को मार देते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि ज़्यादातर बंगाल टाइगर बेबी गौर और ओल्ड गौर का ही शिकार करते हैं, क्योंकि अडल्ट गौर का शिकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है हमें कमेंट करके बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।